Hello guys, welcome back to Gyanaman. In this video, we are gonna learn the solutions of the most important question of exercise 1.3 NCERT class 9th maths. That is how to express the decimal numbers in P by Q form. Please watch this video till end. So let's get started. बच्चे exercise 1.3 का question number 3 है. Express the following in form of P over Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. ये जो question number 3 है. इसके तीन पार्ट्स हैं. इन तीनों पार्ट्स को आपको p ओवर q की फॉर्म में शो करना है और ऐसे करना है कि ये दोनों इंटीजर्स बने और q जो वो जीरो ना हो. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये है 0.6 बार. बच्चे सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप है आपको ये जो स्टेटमेंट है, ये जो नंबर है, इसको x मान लेना है. लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार. ओके, इसको आपको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना है. तो ये जो मेरी है क्वेश्चन नंबर 1 है. अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई है. अब क्या करना है आपको ना, बार देखनी है कि बार कितने डिजिट्स के ऊपर है. डेसिमल के बाद बार जितने डिजिट्स के ऊपर है ना, उतने के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है. मतलब कि उतनी जीरोस के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है. जैसे यहाँ पे 6 के ऊपर बार है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10. अगर ये होता 0.63 बार ऐसे करके होता, तब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ. ओके, क्योंकि बार दो डिजिट्स के ऊपर है. तो यहाँ पे बार एक डिजिट के ऊपर है, तो हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम 10 को x के साथ करेंगे तो बन गया 10x, और जब हम 0.6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6.6 बार. ओके, इसका मतलब होगा 6.666x ऐसे करके. ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1/10, ये बन गया 10x, ये बन गया 6.6 बार. अभी क्या करना है आपको, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी. मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी ये क्वेश्चन 2 हो जाएगी. नाउ स्टेप इज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. ओके, अभी 10x में से x माइनस करेंगे. 10x माइनस x, और इसको इसमें से करेंगे 6.6 बार माइनस 0.6 बार. ओके, लेफ्ट माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू राइट माइनस राइट. तो अभी हम करेंगे 10x माइनस x. 10 एप्पल्स माइनस 1 एप्पल इज इक्वल टू 9 एप्पल्स. 6.6 बार में से 0.6 बार को माइनस करेंगे. देखो 6.66 हो गया मान लीजिए, इसमें से हम करेंगे 0.66 माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा 0.6. ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 6 बचेगा. अब देखो x के साथ क्या लगाया, 9 लगा हुआ है, तो दोनों साइड में 9 के साथ डिवाइड कर देते हैं. ये गया, कट गया, इधर बचा x, इधर बचा 2/3. सो x इज इक्वल्स टू 2/3. ये जो हमारा नंबर था, जो x था, यानी ये जो 0.6 बार था, अब ये कौन सी शेप में आ गया है, p ओवर q की शेप में आ गया है, p ओवर q की फॉर्म में आ गया है. ठीक है, जहाँ पे दोनों इंटीजर्स हैं और q जो है वो जीरो नहीं है. सिंपल, आगे बढ़ते हैं. बच्चे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.47 बार. यहाँ पे देखो बार जो है वो डेसिमल के एक डिजिट के बाद है. यहाँ पे 4/7 के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे 7 के ऊपर बार है सिर्फ, जैसे कि ऐसे है. पॉइंट एंड सो ऑन. ओके, सो इस बार भी हमको किस में मल्टीप्लाई करना है, वेरी गुड, 10 के साथ, क्योंकि बार जो है वो एक डिजिट के. सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.47 बार. ठीक है, ये हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1. अभी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 1/10. तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 4.7 बार, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ये बन जाएगा 4.7 बार, क्योंकि ये जो 10 है वो इधर आ जाएगा ना, एक डेसिमल छूट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4.7 बार बन. ठीक है, तो अभी हमारी बन गई है सेकेंड इक्वेशन. नाउ आगे का स्टेप क्या है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, इसके साथ हम करेंगे इक्वेशन लेफ्ट माइनस लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट माइनस राइट। ओके, सो फिर वही है, टेन एक्स माइनस एक्स, टेन एप्पल्स माइनस वन एप्पल इज इक्वल्स टू नाइन एप्पल्स। ओके, अब इसको करो 4.7 बार में से 0.47 बार जब करोगे ना ऐसे माइनस, बस इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख लो क्योंकि ये बार तो खत्म ही नहीं होगा, जितना बन जाता जाएगा तो ऐसे आ जाएगा आपका 0.3.4। ठीक है, ये बनेगा आपका 4.3। कितना आ गया 4.3, एक्स्ट्रा क्या लगा, 9 लगा, दोनों साइड पे 9 को डिवाइड कर दो, ये लो ये कट गया, x इज इक्वल्स टू 4.3 है ना, इसके बाद हम लिख सकते हैं नीचे 10 लिख सकते हैं, तो ये बन गया 90 आंसर। वेरी सिंपल, नाउ लेट्स प्रोसीड। चलिए बच्चे नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये है 0.001 बार, यहाँ पे तीन डिजिट्स के ऊपर बार है डेसिमल के बाद। सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार, ये अपनी क्वेश्चन नंबर वन है। अभी हमको करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय, बच्चे व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वेशन, वेरी गुड, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 बिकॉज देयर आर थ्री डिजिट्स अंडर द बार। नाउ लेट्स प्रोसीड। अब हमारे पास हो गया है मल्टीप्लाई क्वेश्चन वन बाय 1000, तो 1000x बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड बन जाएगा 1.001 बार, क्योंकि 1000 करेंगे तो 1, 2, 3 तीन डिजिट्स इधर आ गए, तो क्या बन गया 1.001 बार। ठीक है, तो अभी हो गई मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम क्वेश्चन टू, 1000x माइनस एक्स, और 1.001 बार माइनस 0.001 बार, ये तो सिंपल है, 1000 एप्पल्स माइनस 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 999 एप्पल्स, 1.001 बार में से ये जो पॉइंट वाली 001 बार है वो डिलीट हो गई, तो क्या बचा, सिर्फ 1 ही बच गया, तो यहाँ पे क्या लगवा, x का 999 दोनों साइड पे डिवाइड बाय 999, x इज इक्वल्स टू 1/999, सो सिंपल। दिस एंड्स योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3। सो बच्चे, अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको कुछ समझ आया है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही मैथ्स के स्किल्स सीखने को मिलती रहें, और मेरी बाकी की वीडियोस भी जरूर देख लेना। सो इसी के साथ आपको अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, थैंक्स अ लॉट।